अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं कलर्स इन कनाडा से फ्री आपके साथ, और आज मैं आपको दिखा रही हूं हैमिल्टन से जो है वो हाइट से नीचे का सारा व्यू। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त है, रात के टाइम जो है बड़ी ज़बरदस्त लाइट्स हैं, और आसमान का कलर कितना ज़बरदस्त आ रहा है सारा, और बहुत अच्छा व्यू था। तो मैंने सोचा कि चलें आप लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए, आप लोगों को दिखाया जाए कि यहाँ से नाइट व्यू जो है वो कैसा होता है। और ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का जो है वो लाइट्स हैं हर तरफ। थोड़ा सा जूम इन करती हूँ, और ये देखें आप आसमान का कलर कितना ज़बरदस्त है। अभी सनसेट हुआ है जिसकी वजह से ये हल्का हल्का सा रेड है, बीच में थोड़े थोड़े से क्लाउड्स हैं, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लाइट्स हैं नीचे। और जहाँ तक देखें आप, दूर दूर तक जो है वो टोरंटो तक ये सारा जो है वो एरिया नज़र आ रहा है यहाँ पे। और करीब से देखें तो यहाँ पे ये हैमिल्टन है, फिर बर्लिंगटन का बीच में एरिया है, और इसी तरह जो काफ़ी दूर नज़र आ रहे हैं वो टोरंटो है। फिर जो है इस साइड पे ये जो करीब लाइट्स नज़र आ रही हैं ये सारा हैमिल्टन का एरिया है, और नीचे स्टोनी क्रीक का एरिया है सारा। और आगे जो वो वहाँ पे सामने ब्रिज नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा मैं जूम इन करने की कोशिश करती हूँ। ये बर्लिंगटन का ब्रिज है जो हैमिल्टन और बर्लिंगटन को आपस में कनेक्ट करता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट्स हैं और काफ़ी लोग जो हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और इस व्यू को जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। और अच्छी मज़े की हवा भी है यहाँ पे। और ये जो अभी मैंने आपको ब्रिज दिखाया है, ये अभी मैं फिर से जूम इन करने की कोशिश करती हूँ। ये स्काईवे ब्रिज है, ये पहले मैं आपको दिखा भी चुकी हुई हूँ, अभी मैं सिर्फ इसका रात का जो है वो व्यू दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। काफ़ी हाइट पे हूँ मैं और काफ़ी दूर हूँ, और कोशिश कर रही हूँ कि जूम इन करके जो है वो आपको कुछ दिखाया जा सके। तो देखते हैं कि कितना व्यू जो है वो आपको नज़र आता है यहाँ पे। और ये सारे हर तरफ जो है ये लाइट्स वगैरह हैं यहाँ पे, स्ट्रीट लाइट्स हैं, घरों की लाइट्स हैं, और इस तरह जो है वो बड़ा ज़बरदस्त सा यहाँ पे बैठ के जो है वो व्यू है सारा। और ये जो बिल्कुल एंड पे नज़र आ रहा है वहाँ पे ये जगह, ये सारे जो है ये टोरंटो का एरिया है वहाँ पे। इस दरख्त को छोड़ के और ये देखिए कितना ज़बरदस्त जो है ये सारा व्यू है यहाँ से। तो मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलिए ना आप लोगों के साथ भी इसको शेयर किया जाए। तो अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि इस तरह की मैं अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो आपके साथ शेयर कर सकूँ, आपको दिखा सकूँ। कोशिश होती है कि जहाँ भी जाएँ अच्छा व्यू हो तो मैं वो आपके साथ उसको ज़रूर शेयर करूँ। तो बस ये यहाँ का व्यू था, बड़ा अच्छा सनसेट का व्यू था, और क्लाउड्स थे, हल्की हल्की जो है हवा है, तो मौसम बहुत अच्छा हुआ है। अभी शाम को, दिन को तो काफ़ी गर्मी हो जाती है लेकिन शाम को बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। और ये है कि ये देखें फायरवर्क हो रहा है, तो वो भी थोड़ा सा जूम इन करके मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखें वीकेंड है, तो मे बी इस वजह से यहाँ पे ये फायरवर्क हो रहा है। तो थोड़ा सा आगे होके मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का सारा जो है वो व्यू है यहाँ का। बस जूम इन कम करती हूँ कि नज़र सही आए। तो ये काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पे आके आप अगर आप बैठो और यहाँ से सारा ये व्यू जो है उसको एंजॉय करो, बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। और जो जो कनाडा में रहते हैं और अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो यहाँ पे आएँ आप स्टोनी क्रीक में। ये जो है ये यहाँ पे हाइट वाली जगह है, और यहाँ पे आप जो है बैठ के और ये रात का यहाँ का ज़बरदस्त किस्म का जो व्यू है उसको आप लोग काफ़ी इंजॉय कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो साथ साथ जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नेक्स्ट टाइम किसी और अच्छी वीडियो के साथ आपके साथ होंगी, और जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह आपको दिखाऊंगी, रात का जो है वो व्यू
जो है वो मैंने अभी तक दिखाया नहीं था यहाँ का, क्योंकि जो पाकिस्तान के लोग हैं फिर वो वहाँ पे बहुत अर्ली मॉर्निंग है, तो इस वजह से मेरा था कि चलें किसी दिन ऐसा कोई हो टाइम कि मैं आपको दिखा सकूं, मे बी थोड़ा आगे विंटर्स में जाके कोई टाइम मैच करे तो मैं आपको नाइट व्यू भी दिखा सकूं, इसलिए मैंने सोचा कि चलें वीडियो बना के तो आप लोग ये यहाँ का व्यू इस टाइम यहाँ पे देख लें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी और अच्छी वीडियो के साथ आपके साथ होंगे। अल्लाह हाफिज़।